student. Today we see the digital techniques. In that digital techniques, there is a topic that is logic gates and Boolean algebra. In that, we see the logic gates classification and then logic gates, symbols, Boolean expressions, truth table. Okay, so see, this is the unit name, that is logic gates and logic families. In that, first we see the logic gates classification. Logic gates classification is on the basis of two, that is the basic gates and universal gate. The first, it is basic gates. There are three basic gates, that is AND gate, OR gate and NOT gate. Okay, these are three are the basic gates, AND, OR and NOT. Okay, then next it is universal gate. Next gate is this universal gate, and universal gate again has a four gate, that is a NAND gate, NOR gate, XOR gate and XNOR gate. Okay, ये जो चारों हैं इनको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गेट बोलते हैं, और ये जो तीन हैं इनको क्या बोलते हैं, बेसिक गेट्स. ओके, अभी ये जो NAND है वो कैसे बना है, वो जो है दो गेट से बना है, NOT प्लस AND. ओके, और जो NOR है वो कैसे बना है, NOT प्लस OR से. ठीक है, बेसिक गेट से ही बना है ये जो है, वो क्या है, बेसिक गेट्स है अपने, NOT AND, NOT और OR. ओके, इन दोनों से क्या बना है, NAND, और ये दोनों से क्या बना है, NOR. ओके, उसके बाद में जो है हम लोग इसके एक्सप्रेशन देखेंगे, बुलियन एक्सप्रेशन, ट्रूथ टेबल देखेंगे और सिम्बॉल्स देखेंगे. ये जो बोथ द गेट्स है, जैसे कि बेसिक गेट्स और यूनिवर्सल गेट. ओके, सी, मैंने यहाँ पे सबका जो है कंपैरिजन कर लिया है, तो आपको पढ़ाई करने में इजी जाएगा. तो इधर जो है गेट रहेंगे, गेट के नाम, यहाँ पे जो है बुलियन एक्सप्रेशंस रहेंगे, उसके बाद में ट्रूथ टेबल रहेगा और सिम्बॉल यानी उसकी डायग्राम रहेगी. ठीक है, जो है कंपैरिजन में इसलिए लिखा है कि एट ए टाइम सभी जो गेट्स है वो राइट हो जाते हैं और अच्छे से अपने को पढ़ाई करते आते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट जो गेट है वो है नॉट गेट. ठीक है, तो नॉट गेट उसी को हमको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्टर. और उसका जो आईसी नंबर है, ये सभी जो गेट्स है वो ICs है. ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स. तो नॉट गेट का IC नंबर है 7404, ये भी आप लोगों को याद करना है. उसके बाद में बुलियन एक्सप्रेशन क्या है, Y मीन्स इनपुट रहता है. ओके, और A बार, इसमें क्या होता है, A बार होता है, निगेशन, बार मीन्स निगेशन होता है. और ट्रूथ टेबल क्या है, अगर A की वैल्यू जीरो होगी तो आउटपुट में अपने को क्या मिलेगा, 1. ठीक है, और A की वैल्यू अगर 1 रहेगी तो आउटपुट में क्या मिलेगा, अपने को 0 मिलेगा. ठीक है, अभी ये जो डिजिटल टेक्निक्स है वो हम लोग 1 और 0 के फॉर्म में ही क्या मिलता है, अपने को इनपुट देना पड़ता है और आउटपुट भी उसी के फॉर्म में मिलता है. ठीक है, और यहाँ पे जो सिम्बॉल है नॉट गेट का वो कैसा है, देखो यहाँ पे सिंपली A है, मीन्स दिस इज द इनपुट. ओके, और बीच में क्या है, ये जो बबल है इसको हम क्या बोलते हैं, निगेशन. आउटपुट में क्या मिल रहा है अपने को, A बार. ठीक है, तो ये क्या हो गया अपना, A बार, Y इज इक्वल्स टू A बार, ये तो बुलियन एक्सप्रेशन हो गया. इसी के जैसे AND गेट का देखो, अभी AND गेट जो है, AND गेट इन्वर्टर, इसका जो आईसी है उसका नंबर है 7408, और बुलियन एक्सप्रेशन क्या है, Y इज इक्वल टू A डॉट
बी, ठीक है, एंड यानी मल्टीप्लीकेशन रहेगा दोनों के बीच में। अभी ये जो नॉट गेट है इसको सिर्फ एक ही इनपुट है, और एंड को क्या रहेगा, दो इनपुट रहेंगे, ए और बी, ठीक है। और एंड मीन्स क्या रहेगा, डॉट रहेगा, वाई इज इक्वल टू ए डॉट बी। अभी उसका ट्रूथ टेबल देखो, अभी यहाँ पे कैसे था, एक ही इनपुट था नॉट गेट में, इसलिए हम लोगों ने सिर्फ जीरो और वन लिया था, ठीक है। अभी यहाँ पे दो इनपुट हो गए, ए और बी, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जीरो जीरो लेंगे, उसके बाद जीरो वन लेंगे, उसके बाद वन जीरो लेंगे, उसके बाद वन वन लेंगे, ठीक है। ये होगी अपनी इनपुट। अभी इसको ध्यान में कैसे रखना है, अगर दो इनपुट हो तो क्या लेना है, फर्स्ट इनपुट को जीरो जीरो वन वन, सेकेंड इनपुट को जीरो वन जीरो वन, ठीक है। अभी आउटपुट क्या मिलता है अपने को एंड गेट में, एंड गेट में आउटपुट अगर वन वन रहा तो ही आपको आउटपुट क्या मिलेगा, वन, मीन्स ए अगर वन रहा और बी अगर वन रहा तभी आउटपुट क्या मिलेगा अपने को, वन मिलेगा, ठीक है। ऑल अदर मीन्स ये और ये तीनों में आउटपुट क्या मिलता है अपने को, जीरो मिलता है। तो एंड में सिर्फ एक ही ध्यान में रखो, क्या अगर क्या रहा, इनपुट वन वन रहा तो आउटपुट क्या मिलेगा अपने को, वन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट देखो और गेट। अभी और गेट एग्जैक्ट अपोजिट टू एंड है, ठीक है। और गेट का सिर्फ आईसी नंबर अलग है, क्या है, 7432। और यहाँ पे देखो क्या आ गया है, मल्टीप्लीकेशन के जगह पे क्या आएगा, प्लस आएगा, ठीक है। अभी ट्रूथ टेबल में देखो क्या डिफरेंस है, ट्रूथ टेबल में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे अगर जीरो जीरो रहा तभी क्या आएगा, आउटपुट जीरो आएगा, ठीक है। दोनों इनपुट अगर जीरो जीरो रहे तभी आउटपुट क्या आएगा, जीरो आएगा, अदरवाइज क्या आएगा, ये वन आएगा, ठीक है। एग्जैक्ट अपोजिट है देखो क्या है, अगर जीरो जीरो रहा तो ही इधर क्या आएगा, जीरो आएगा, अदरवाइज ये क्या आएंगे, वन आएंगे, ठीक है। और इन दोनों में डिफरेंस समझ आया, एंड और गेट, ठीक है। उसके बाद में जो है नेक्स्ट गेट देखेंगे, यूनिवर्सल गेट जो है वो देखेंगे, उसके ट्रू टेबल, बुलियन एक्सप्रेशन और सिंबल्स। देखो अभी नेक्स्ट जो है अपना नैंड गेट, वो किससे बना है, नॉट और एंड गेट से, ठीक है। और उसका जो आईसी नंबर है वो क्या है, 7400, ठीक है। उसके बाद में डिफरेंस क्या है, आपने ऑलरेडी एंड गेट का जो है बुलियन एक्सप्रेशन देखा है, क्या है, वाई इज इक्वल टू ए डॉट बी है, ठीक है। सिंपली अभी उसको क्या करना है, निगेशन, एन फॉर नॉट है, ठीक है। नॉट को हम लोग क्या करते हैं, ऊपर एक निगेशन मीन्स जो है नॉट दे देते हैं, तो वही सिंबल, वही बुलियन एक्सप्रेशन हो जाएगा नैंड का, ठीक है। अभी जो है इसके टेबल में, जो ट्रूथ टेबल है उसमें भी क्या होता है, डिफरेंस है, क्या होगा, जहां पे जीरो होगा आउटपुट में, ठीक है, जहां पे जीरो होगा वहां पे क्या आएगा, वन आएगा, और जहां पे वन होगा वहां पे क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। अभी सिंबल में भी वही डिफरेंस है, देख लो एक बार। यहाँ पे हम लोगों ने एंड गेट का देखा था, ठीक है, एंड गेट के ट्रुथ टेबल और नैंड गेट के ट्रुथ टेबल में क्या डिफरेंस है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आउटपुट में सिर्फ चेंज होता है, जहां पे जीरो है वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे वन आया है, और जहां पे वन है वहां पे क्या है, जीरो आया है, ठीक है, बाकी सब सेम रहता है, ठीक है। उसके बाद में सिंबल में भी डिफरेंस देखो क्या है, सिर्फ यहाँ पे जो है नॉट है, मीन्स यहाँ पे क्या ऐड हुआ है, इधर एक बबल ऐड हुआ है, ठीक है। ये एंड गेट का सिंबल है और ये जो है नैंड गेट का सिंबल है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या, बबल, एक बबल ऐड हुआ है सिंबल का, ठीक है। तो इधर भी देखो ये जो है नेम में क्या है, एंड, और इधर नैंड है। अभी बुलियन एक्सप्रेशन में भी मैंने बताया क्या चेंज है, सिर्फ ऊपर में क्या आया है, बार, मीन्स इट इज निगेशन नॉट, ठीक है। अभी उसके बाद में जो है नेक्स्ट गेट देखेंगे, दैट इज द नॉर गेट, ठीक है। अभी नॉर गेट में भी जो है डिफरेंस देख लो, सेम डिफरेंस देखो, और नॉर गेट में यहाँ पे सिर्फ क्या आया है,
नॉट आया है, एन फॉर नॉट। यहाँ पे आईसी नंबर देखो थोड़ा डिफरेंस है, यहाँ पे क्या है आईसी नंबर 7402। अभी इधर एक्सप्रेशन में देख लीजिए क्या है, सिर्फ ऊपर में निगेशन क्या है ऐड हुआ है, यहाँ पे निगेशन नहीं था। उसके बाद में ट्रूथ टेबल में भी देखो क्या चेंज हुआ है, सेम 0 के जगह पे क्या आया है 1, और यहाँ पे 1 के जगह पे क्या आया है इधर 0 आया है। ठीक है, बाकी ये सब जो है सेम रहते हैं, इनपुट सेम रहता है सभी में अगर दो इनपुट रहे तो। उसके बाद में सिंबल में भी देखो क्या होता है, सिंबल में क्या ऐड हुआ है, सिर्फ एक बबल ऐड हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया अपना नॉर गेट डिफरेंस। उसके बाद में जो है लास्टली दो गेट बचे वो भी देख लेंगे। ओके, देखो ये जो गेट है अभी आपके के दो गेट है, तो फर्स्टली एक्सोर गेट देखो, यहाँ पे आईसी नंबर 7486 है, और इसका जो बुलियन एक्सप्रेशन है वो है वाई इज इक्वल टू ए, इसको क्या बोलते हैं एक्सोर। ठीक है, ये सिंबल को क्या बोलते हैं प्लस, और उसको अगर सर्कल रहा तो उसको क्या बोलते हैं एक्सोर बी। ठीक है, अभी ये जो ट्रुथ टेबल है उसमें सिर्फ क्या ध्यान में रखना है आपको, अगर क्या हुआ दोनों इनपुट अगर सेम हो, ठीक है दोनों इनपुट अगर सेम हो तो आउटपुट क्या आता है 0 आता है। ठीक है, दोनों इनपुट अगर सेम हो तो आउटपुट क्या आएगा 0 आएगा। और यहाँ पे देखो ये जो है सिंबल है इसका, अभी ये और गेट है इसमें, ठीक है तो और का सिंबल लिया है इधर, और एक्स इट इज एक्सपोनेंशियल, तो इधर क्या ऐड किया है एक एक्सपोनेंशियल के सिंबल ऐड किया है। ठीक है, उसके बाद में जो है लास्ट में एक स्नोर गेट है, तो एग्जैक्ट अपोजिट है ये इसका, तो आईसी नंबर देखो 7426 है, और जो बुलियन एक्सप्रेशन है इसमें सिर्फ क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एन मीन्स नॉट ऐड हुआ है तो सिर्फ इधर क्या दे देंगे निगेशन दे देंगे। ठीक है, उसके बाद में जो है ट्रुथ टेबल में देखो क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, अगर इनपुट सेम हो तो यहाँ पे क्या आता था एक्सओआर में 0 आता था, इधर क्या है अगर इनपुट सेम हो तो यहाँ पे एक्सनॉर में क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये डिफरेंस है। और सिंबल में क्या डिफरेंस है देखो, यहाँ पे नॉट आया है अपने इधर, तो सिर्फ क्या लगाना पड़ेगा इधर बबल लगाया है, बाकी सिंबल क्या है सेम है। ठीक है, तो ये जो है एग्जाम में आप लोगों को पूछते हैं 4 मार्क के लिए, कौन सा भी 4 गेट आते हैं तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, तो आज का जो है टॉपिक एंड हो चुका है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।